नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज हम सभी भाई मिलकर आपके बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे अनुराग उपाध्याय जी, हमारे सुधीर भाई गुड्डू तिवारी जी। दोस्तों, आज हम जो चर्चा का विषय बना हुआ है, हम सब बहुत परेशान हैं, पूरा इलाका परेशान है। जो नए बच्चे नए युवा हैं, ये देखा जाए तो जो नशीले पदार्थ हैं, जैसे स्मैक, चरस, अफीम, गांजा, इसके प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा कारण ये है कि हमारे ग्राम सभा, हमारे बाजार में ये आसानी से बिक रहे हैं। इसके खिलाफ एक अभियान, एक मुहिम चलाई जाए। हम अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के थाना युवा, अपने सुल्तानपुर सदर के माननीय सांसद, विधायक, डीएम, एसपी जी के माध्यम से ये बात उनके तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब एक आंदोलन छेड़ें, एक बड़ा अभियान चलाएं। इससे पहले वो कानूनी कार्रवाई करके हमारे युवाओं में भय की स्थिति पैदा करें, जो नशीला पदार्थ खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं। जिला प्रशासन बहुत आसानी से अपना हाथ बदल कर लेता है, इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते, खुलेआम बिक रहे हैं ये पदार्थ। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अनुराग उपाध्याय जी हैं, जो इस विषय पे आप सत्यजीत स्वामी लगाते हैं। तो जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, सुल्तानपुर करौंदिया से लेकर उधर रहा बासी, झुरियापुर, कटामा, खैचिला, इधर आजकल के जो भी युवा साथी हैं, अपने एक नशे के रूप में जहर घोला जा रहा है इनके बीच में, एक चाहे साजिश के तहत, चाहे भारत के युवाओं को दूषित करने के लिए, युवा को कमजोर करने के लिए। युवा ही समाज की धुरी होता है, युवा ही देश का कर्णधार है। अब चाहे साजिश के तहत आजकल हमारे क्षेत्र में स्मैक का कारोबार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। अभी जैसे कि अंकुर जी है, सुदीप गुड्डू भाई के माध्यम से हम लोग जिला स्किन ऑपरेशन के माध्यम से कई ऑपरेशन में हम लोग लगे। दिन में ये लोग स्मैक पीते हैं और रात में अपने खर्चे के लिए लोगों का सटर ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से सुल्तानपुर शासन प्रशासन, उत्तर प्रदेश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, थाना कुरवार, पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुल्तानपुर, आपको अवगत कराना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि युवाओं के अंदर जो जहर घोला जा रहा है, इससे भारत के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की क्षति है। अगर बार बार कंप्लेन की गई सुपरिंटेंडेंट साहब को, थाने पे सीओ साहब को, आजकल लेकिन जो कि व्यवसायी हैं, जो व्यापार को बढ़ा रहे हैं, वो पैसा लेकर छूट जाते हैं। हम सभी युवा साथी ये तय किए हैं कि अपने क्षेत्र में इस कारोबार को फैलने और फलने फूलने नहीं देंगे। शासन प्रशासन अगर साथ नहीं दे पाएगा तो हम युवा साथी यहाँ पर संकल्प लेंगे और खुद अपने स्टिक ऑपरेशन के माध्यम से अपनी टीम बनाकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अन्य सामाजिक संगठन, संघ परिवार और अपने युवा सामाजिक समरसता के जो संगठन है, उनके माध्यम से हम स्वयं कार्रवाई करेंगे, इसको एक आंदोलन का रूप देंगे और रोड पर निकलेंगे, चक्का जाम करेंगे। और ये सब के लिए सभी युवाओं का आह्वान है, जल्दी से जल्दी सुल्तानपुर से स्मैक का कारोबार रुकना चाहिए। बस इतना सा निवेदन, इतनी सी विनती, आप सभी के साथ, सभी लोग साथ में आए, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस कारोबार को बंद करें। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जिससे माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक और माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच सके और पंजाब की तरह हमारा उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है उसके पर सके। जय हिंद, जय भारत।